दुनिया के पहले 10 टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है चाइना का गाओ गाओ एग्जाम। ये एग्जाम चाइना का स्टैंडर्डाइज्ड कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि हर साल जून के महीने में होता है। 9 घंटे तक चलने वाला ये एग्जाम कभी कभी 2 से 3 दिन तक भी एक्सटेंड हो जाता है। इस एग्जाम के स्कोर्स पर डिपेंड करता है कि एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एंटर होने के कैपेबल है या नहीं। जो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं उन्हें ये एग्जाम फिर से अटेम्प्ट करना पड़ता है। इस एग्जाम को मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं, बट उनकी पास परसेंटेज बहुत ही कम है। क्योंकि एग्जाम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों को फुल टाइम स्टडी में हेल्प करने के लिए अपनी जॉब्स भी क्विट कर देते हैं। स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर तक डायरेक्शंस देने के लिए स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स को रोड पर तैनात किया जाता है। बिना किसी डिले के एग्जाम हॉल तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें फ्री टैक्सी और सबवे राइड्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इस एग्जाम में चीटिंग करना एक क्राइम है, और ऐसा करते हुए पाए गए स्टूडेंट्स को जेल भी हो सकती है।